मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता विजय सिंह जी के दुखद निधन पर अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से शोक प्रकट करता हूं। उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे ये प्रार्थना करता हूं। पर साथ ही मैं इस सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस मौत का, और ये मौत ही नहीं है भैया, ये हत्या है। किसी को आपके शासनकाल में लाठी से पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये हत्या की श्रेणी में ही आता है। तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है मुख्यमंत्री जी? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के गृहमंत्री भी हैं। ये जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है कि भैया उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज के को शांत करने के लिए लाठी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भले वो शिक्षक हो, भले वो छात्र हो, भले वो अभ्यर्थी हो, भले वो किसान हो, हर उठने वाली आवाज को लाठी के दम पर उसको शांत कराने का प्रयास किया जाता है। और अब तो बर्बरता इस कदर इस हद तक बढ़ गई है कि पीट पीट कर उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अगर ये एक अघोषित आपातकाल की परिस्थिति हमारे बिहार में नहीं है तो और क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, जवाबदेही आपकी बनती है कि आपके शासनकाल में उठी हुई लाठी की वजह से अगर किसी एक बिहारी की हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है।